ओके वेलकम टू मूव माय। और आज हम बात करने वाले हैं गॉडज़िला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर की 10 ऐसी चीजों के बारे में जो शायद आपको ना पता हो। अगर आप बहुत बड़े महाज्ञानी होंगे तो शायद आपको पता हो, वरना नहीं पता होगा। और मेरी वीडियो देखने के बाद आपको गॉडज़िला एक्स कॉन्ग के बारे में इतना पता तो लग ही जाएगा जितना आपको अपने खुद के बारे में भी ना पता हो। वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, कॉन्ग के पास जो ग्लव होगा उसको नाम दे दिया गया है। जो मर्चेंडाइज और टॉयज निकाले हैं उनसे पता लगता है इसका नाम बीस ग्लव होगा, जिसकी फुल फॉर्म शायद मूवी में बताई जाए। और ये मूवी के अंदर सिर्फ गॉडज़िला ही नहीं होगा जिसके न्यू पावर्स अप होंगी, इसके अंदर कॉन्ग के पास भी पावर्स होंगी। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, जो कॉन्ग का बीस ग्लव है वो उसको इलेक्ट्रिकल चार्जेस इमिट करने की पावर देगा। और ये मुझे लगता है इन्होंने रेफरेंस दिया है 1962 की जो ओरिजिनल किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडज़िला मूवी है। उसके बाद भी कॉन्ग के पास पावर होती है कि वो पंछी से इलेक्ट्रिकल पावर इमिट करता है, तो मुझे लगता है कि वहाँ का रेफरेंस है। नंबर 9, गॉडज़िला के बाद न्यू ब्लू पावर अप होगा। ये मूवी देखी तो पता लगता है कि सिर्फ गॉडज़िला हमें पिंक की कलर में नजर नहीं आएगा, हमें साथ ब्लू में भी नजर आएगा। जो कि इसका जो डिजाइन था जिसमें इसके ऊपर ब्लू वेन्स है जो पुराने जापानीज गॉडज़िला के डिजाइन से उनसे थोड़ा मिलता लग रहा था। और इसके जो डायरेक्टर हैं एडम विनगार्ड, उन्होंने कहा है कि उनका प्रॉमिस है कि इस मूवी के अंदर गॉडज़िला का सिर्फ यही वर्जन ही होगा, उसके बहुत ज़्यादा डिफरेंट वर्जन होंगे, तो तैयार रहे बहुत ज़्यादा वर्जन देखने के लिए। नंबर 8, कॉन्ग और गॉडज़िला का एक रीमैच होगा। हाँ, और सही सुन रहे हैं, गॉडज़िला कॉन्ग का रीमैच होगा इस मूवी के अंदर। जैसे कि अगर आपने गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग देखी है तो जो जो कॉन्ग के फैन थे या जिसको दुख हुआ कि कुट पड़ी है, तो इसमें हमें रीमैच देखने को मिलेगा। लेकिन ये उस तरह का रीमैच नहीं होगा इजिप्ट के अंदर जो होगा, ये कोई सॉफ्ट रीमैच होगा उनके टीम अप करने से पहले। नंबर 7, जिया को विजन आएंगे गॉडज़िला कॉन्ग के न्यू मोस्टर के बारे में। ये तो हमें पता है कि जब जिया ट्रेलर के अंदर कुछ खास ट्राइब वाले लोगों के पास एक पिक की एनर्जी कुछ होती है, तो उसे शायद वो उन चीज़ों के साथ कनेक्ट हो गई है और वो एक नए विलन को देख पा रही है। और हमें जिया की मदद से कुछ नए विलन के हमें रेफरेंसेस देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पे इस मूवी में सेटअप होगा या फिर कोई मोस्टर्स की अगली फ्रेंचाइज में आगे किसी बड़े बिग बैड को सेटअप करेगा। नंबर 6, गॉडज़िला कॉन्ग के अंदर कॉन्ग की स्पीशीज को नाम दे दिया गया। यह आपको बड़ा अजीब लगेगा, उनको अंदाजन कहा जा रहा था कि टाइटेनस कॉन्ग हुआ, लेकिन अब उनका नाम चेंज करके उनको ग्रेट एप्स कह दिया गया है और किंग कॉन्ग को ग्रेट एप कह के बुलाया जा रहा है। नंबर 5, गॉडज़िला एक्स कॉन्ग के अंदर जो कॉन्ग होगा वो अपना किंग कॉन्ग का टाइटल जीत लेगा। हमें पता है कि हमें सबको तो किंग कॉन्ग का पता है, किंग कॉन्ग पे जितनी मूवीज बनी है, लेकिन इसको यहाँ पे सारे कॉन्ग बुलाते हैं। लेकिन इस मूवी में हमें कन्फर्म होता है कि जब कॉन्ग ये शिकार को हराएगा और जीतेगा तो जो कॉन्ग होगा वो किंग कॉन्ग बन जाएगा, जितने भी वहाँ पे और कॉन्ग रह रहे हैं उनका, और यहाँ पे वो अपना टाइटल जीतेगा असल किंग कॉन्ग का। नंबर 4, शिकार एक वार शुरू करना चाहता है। अब हमें ये पता लगता है कि जो शिकार है वो वार शुरू करना चाहता है मोस्टर के दरमियान, और वो खुद लीड करना चाहता है ग्रेट एप्स के साथ, और वो उनके साथ बैटल एम्पायर में लड़ना चाहता है। नंबर 3, गॉडज़िला की न्यूक्लियर पावर्स वापस आ रही है। हमने गॉडज़िला द किंग को मोस्टर में देखा था जब वो अपनी न्यूक्लियर थर्मो न्यूक्लियर फॉर्म में था, तब वो कोई पल्स इमिट करता है जो कि बहुत पावरफुल पल्स है, जिससे कि गिदोरा के पंख सारे मेल्ट हो जाते हैं। और इसके अंदर उसके बाद वो फिर पल्स है लेकिन वो ब्लू कलर की है। मुझे लगता है जिस तरह गॉडज़िला पावरफुल होता जा रहा है वो और पावरफुल होता जा रहा है, जिससे वो उस पल्स को इमिट कर पा रहे हैं। नंबर 2, हमें गॉडज़िला कॉन्ग के अंदर एक न्यू आइस मॉन्स्टर देखने को मिलेगा। ये तो अब जितने स्पॉइलर यहाँ पे लीक्स आई है वो सब लोगों को पता लग ही गया है कि उसको मॉन्स्टर कौन होगा। वो शीमू मॉन्स्टर होगा जो अपने मुंह से बर्फ निकालेगा, और जिसका ट्रेलर में सीन भी है जिसमें वो बर्फ कॉन्ग की एक्स में मार रहा है। तो हमें ये भी पता है कि यही शीमू था जिसने गॉडज़िला की हेल्प की थी गिदोरा को जमाने के अंदर, लेकिन इस दफा ये गॉडज़िला के खिलाफ और शिकार के साथ क्यों है यह हमें मूवी में पता लगेगा। नंबर 1, मोथरा रिटर्न करेगी गॉडज़िला एक्स कॉन्ग के अंदर। जिया के आई के अंदर मोथरा का एक सीन दिखाया गया है जिससे हमें अंदाजा हो जाता है कि मोथरा वापस आएगी, लेकिन वो किस तरह वापस आएगी ये हमें पता लगेगा मूवी के अंदर। और क्योंकि ये रीबर्थ होगी उसकी इसके अंदर या क्या होगा ये हमें इसके अंदर बताया जाएगा। ओके, यही है वो 10 चीज़ें जो कि हमें गॉडज़िला कॉन्ग के अंदर, यही 10 चीज़ें जो हमें गॉडज़िला कॉन्ग के अंदर देखने को मिलेंगी।